हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ जिसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस से ऐसी 6 डॉग ब्रीड्स चूज़ की हैं या इनको सेलेक्ट किया है एज ए गार्ड डॉग, और गार्ड डॉग भी फैमिली गार्ड डॉग, और अगर हमें अपने फार्म या किसी बड़े एरिया के लिए गार्डिंग के लिए डॉग चाहिए तो ऐसी 6 कौन सी बेस्ट गार्ड डॉग्स ब्रीड हैं जो इंडिया में इजी अवेलेबल हो जाती हैं और मोस्टली हर एक वेदर में जो है वो एडजस्ट हो जाती हैं। तो आप कंप्लीट इस वीडियो में बने रहें, तो मैं जो ये 6 डॉग है वो एक एक करके आपको इनकी जानकारी इस वीडियो में देता हूँ। तो इस वीडियो में जो हमने पहला जो डॉग रखा है, जो पहली डॉग ब्रीड को सेलेक्ट किया है, वो है बोरबेल डॉग। बोरबेल डॉग को सेलेक्ट करने का जो मेरा रीज़न है, क्योंकि बोरबेल मैंने इंडिया में देखे भी हैं और बोरबेल मैंने कुछ टाइम के लिए अपने पास रखा भी है, तो जिससे मैं बोरबेल के नेचर और उसके गार्डिंग्स की जो इंस्टिंक्ट्स हैं उसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। मैंने देखा है कि फार्म वगैरह के लिए बोरबेल बहुत ही बेस्ट गार्ड डॉग होते हैं, क्योंकि उनका अगर हमें एक ऐसी जगह पे हमारा फार्म है जो थोड़ा सा इंटीरियर में है या जहाँ पे कहीं भी कोई वाइल्ड एनिमल या कोई इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो उन चीज़ों को भी बोरबेल बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेता है, बहुत आसानी से मैनेज कर लेता है। दूसरी एक और जो इसकी सबसे अच्छी चीज़ है वो है इसका शॉर्ट कोट होना। इसका जो कोट है वो शॉर्ट है, बहुत छोटे हेयर होते हैं इसके, जिसकी वजह से जैसे इंडिया में काफ़ी जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उन जगहों के लिए ये बहुत अच्छा डॉग है, क्योंकि बाल ना होने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है और ये इजी जो है फार्म पे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि अगर उस तरह के हेयर्स और उस तरह की चीज़ें होंगी डॉग्स में तो एक मेंटेन करना डॉग को थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसी सीरीज़ में जो हमारा 5th नंबर का डॉग है वो है प्रेसा कैनेरियो, और मैं आपको बीच में एक जानकारी और देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हर जगह साइज़ मैटर नहीं करता है। कई लोगों को मैस्टिफ डॉग पसंद आते हैं, या कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास हमारा जो डॉग है वो मैस्टिफ टाइप ना हो। मैस्टिफ टाइप का मतलब है बहुत बड़े शरीर और जो जैसे बड़ा हेड बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और रिंकल्स टाइप हेड होते हैं, जो मैस्टिफ के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं मैस्टिफ ब्रीड पर बनाऊँगा आप, और हम वो इस वीडियो में उसका लिंक देंगे तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं कि मैस्टिफ ब्रीड क्या होती है, उसमें मैं अभी ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो कुछ लोग उस तरह की ब्रीड पसंद करते हैं, तो जो प्रेसा कैनेरियो है, प्रेसा कैनेरियो भी मैंने रखा है और मेरे पास काफ़ी टाइम प्रेसा कैनेरियो रहे हैं। उस ब्रीड में भी मैंने देखा ये बहुत ही शानदार गार्ड डॉग ब्रीड होती है और टेरिटोरियल होती है, अपनी जगह को लेके बिल्कुल एकदम वो रहते हैं कि अगर कोई इनके एरिया में जैसे कोई फार्म है, फार्म की जो बाउंड्री है, जो रेंज इनकी इनको इन्होंने बनाई हुई है फार्म के अंदर, अपना जो फार्म के अंदर या घर में जहाँ पर ये रहते हैं उसको लेके बड़े ये पजेसिव रहते हैं, अपने ओनर को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव रहते हैं। अगर कोई ओनर के पास आता है, इनको अगर कोई ऐसा लगता है कि ये हमारे ओनर को या किसी को प्रॉब्लम पहुंचा सकता है, तो इस पर ये बहुत जल्दी जो है एग्रेसिव हो जाते हैं और कई कंडीशन में ये अटैक भी कर सकते हैं ये डॉग। तो और जो बोरबेल और प्रेसा कैनेरियो में जो थोड़ा सा फ़र्क है, जो मैंने बोरबेल को प्रेसा कैनेरियो को बोरबेल से ऊपर रखा है, उसका थोड़ा सा रीज़न ये है कि प्रेसा कैनेरियो थोड़े मैस्टिफ टाइप है, उनके बड़े लीव्स और बड़े हेड और उस तरह का होता है, बस बोरबेल में प्रेसा कैनेरियो में जो हेड होंगे और थोड़ा सा ड्राई कुत्ता होता है, उतना उस तरह का बल्कि और वो नहीं होता, तो इसलिए मैं उस ब्रीड को थोड़ा सा जो बोरबेल से ऊपर रखता हूँ, और जो थोड़े से बोरबेल से ज़्यादा एथलीट मुझे लगते हैं जो मैंने देखे हैं। हो सकता है कि बोरबेल भी कई बार बहुत ज़्यादा एथलीट टाइप होते हैं अगर हम कंपेयर करें प्रेसा कैनेरियो से, तो बट जो मैंने एक्सपीरियंस इनके साथ किया है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि जो प्रेसा कैनेरियो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा डॉग है बोरबेल के अकॉर्डिंग, अगर हम फार्म पे और उस तरह की, क्योंकि हमें एक लो मेंटेनेंस डॉग चाहिए, तो हम प्रेसा कैनेरियो को भी अपनी इस लिस्ट में रख सकते हैं। अगर हमें फार्म के लिए घर के लिए एक गार्ड डॉग चाहिए, बहुत अच्छा गार्ड डॉग चाहिए, तो प्रेसा कैनेरियो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसी सीरीज में जो 4th नंबर पे डॉग है उस डॉग को बोलते हैं डोगो अर्जेंटिनो, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से है, मैं डोगो अर्जेंटिनो को 4th नंबर पे रखता हूँ। इसका रीज़न ये है, डोगो अर्जेंटिनो भी मैस्टिफ टाइप ब्रीड है, मगर ये बहुत ही एथलीट एकदम पूरा, और एक चीज़ में मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, जैसे
कई जगह ऐसी हैं जहाँ इंटीरियर में, बहुत ज़्यादा इंटीरियर में फार्म्स हैं जहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल भी आ जाते हैं, उन जगहों के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक हंटिंग डॉग है और कंप्लीट हंटिंग डॉग है। अगर आप इसको किसी तरह की हंटिंग और उस चीज़ में अगर ये इन्वॉल्व हो जाए या कोई ऐसा एनिमल आपके फार्म के अंदर आ जाए जो जो जिसको देख के इसको ऐसा लगता है कि मेरे को या मेरी फैमिली को या मेरे जो जहाँ पे मैं हूँ उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है मेरे ओनर को, तो ये बिना सोचे समझे उस पर अटैक कर देता है। तो बड़ी ज़बरदस्त एक ब्रीड है डोगो अर्जेंटिनो। तो आप इस ब्रीड को भी अगर आपको एक फार्म पे गार्ड डॉग और उस तरह का डॉग आपको चाहिए तो इसको भी आप जो है चूज कर सकते हैं। और ये मोस्टली कलर में तो वाइट कलर में, ये जितना मैंने देखा वाइट कलर में ये डॉग आता है, तो ये एक बहुत अच्छी ब्रीड है। इसी सीरीज में जो जिस डॉग को मैं लेके आया हूँ वो है थर्ड नंबर पे जिसको मैं रखता हूँ, वो है गद्दी डॉग। ये हमारी इंडियन ब्रीड है, ठीक है। इसमें बस थोड़ा सा क्या है कि इसमें हेयर थोड़े बड़े होते हैं, हेयर थोड़े ज़्यादा होते हैं, और ये जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि हमारी इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर होता है, तो उस ठंडे वेदर में एक बड़े फार्म पे या घर के लिए आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त गार्ड डॉग चाहिए तो वो है एक गद्दी डॉग। क्योंकि गद्दी डॉग जो है ये भी मैंने देखे हैं, मैंने कभी पाले तो नहीं है गद्दी डॉग, पर मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत यार दोस्तों को ऐसे जानता हूँ मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे जिनके पास गद्दी हैं, और मैं बहुत अच्छे से उनको देखा हूँ, मिले हैं मैंने, तो सारी चीज़ें देखी, तो बहुत ही ज़बरदस्त गार्ड डॉग है। और इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसको आप घर में भी रख सकते हैं। इसका कारण है कि दिन में तो ये सोता है और रात को ये कंप्लीट गार्डिंग करता है, और थोड़ा सा बस इसमें अगर एक प्रॉब्लम है तो वो ये है कि इस डॉग को आप ऐसी जगहों पे नहीं रख सकते जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म वेदर है, बिकॉज ये थोड़ी सी लॉन्ग हेयर, थोड़ा क्या काफ़ी इसमें ना हेयर काफ़ी बड़े होते हैं, तो इसलिए आप इस ब्रीड को अगर आपका ऐसी जगह पे फार्म है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा और इस तरह का वेदर रहता है तो गद्दी डॉग को आप रख सकते हैं। इसी लिस्ट में जो मेरा सेकेंड नंबर का डॉग है, मैं ऑल टाइम मेरा फेवरेट रहा है, और पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा थे और अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसी डॉग को पालते हैं, वो डॉग है डॉबरमैन। डॉबरमैन बहुत ही ज़बरदस्त गार्ड डॉग है। अगर आपको अपने फार्म के लिए, अपने घर के लिए एक गार्ड डॉग चाहिए, और एक ऐसा डॉग चाहिए जो बिल्कुल लो मेंटेनेंस डॉग है, इसको किसी तरह के हेयर नहीं है, और नेचुरल गार्ड डॉग होते हैं, आपको इनको कोई ट्रेनिंग देने की इस तरह की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपने फार्म पे रखते हैं तो आप ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको कुछ अलग से कुछ एडवांस चाहिए कराना अपने डॉग से, प्रोटेक्शन ट्रेन कराना, तो वो एक अलग टॉपिक आ जाता है, तो आप ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, बट ये नेचुरल गार्ड डॉग होता है। इसको हम अपने फार्म, अपने घर पे, अपने साथ एज ए कंपेनियन डॉग रख सकते हैं, और इससे ज़बरदस्त डॉग जो मुझे देखने को लगता है वो बस एक ही है लास्ट में रह जाता है, वो है बेल्जियन मैलिनॉइस। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में जिसको मैं फर्स्ट नंबर पे रखता हूँ बेल्जियन मैलिनॉइस, इसका रीज़न है ये एक ऐसी ब्रीड है, हर ब्रीड की अपनी एक रिस्ट्रिक्शंस होती है और हर ब्रीड का अपना एक पर्पज़ होता है, जो जितनी भी ब्रीड डॉग्स में बनी है उनका किस काम के लिए बनी है, किस पर्पज़ के लिए बनी है, मगर ये एक ब्रीड ऐसी है जो मल्टीपर्पज़ है। आप इसको माइनस टेम्परेचर में रख लीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है बेल्जियन मैलिनॉइस को, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है आपका राजस्थान जैसलमेर के एरिया में जहाँ पे 49 डिग्री 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ पे इसको आप आसानी से रख लीजिए। बारिश जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे असम और उस तरह के एरिया हैं, वहाँ पे ये आराम से रह सकता है। तो मतलब ये ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जगह पे आप इस डॉग को नहीं रख सकते, और दुनिया की जितनी भी एलीट फोर्सेस हैं दुनिया की, वो सारी फोर्सेस इस ब्रीड को यूज़ करती हैं। उसका रीज़न यही है, ये बहुत ही टफ डॉग है और बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाता है, और हर तरह से ये ज़बरदस्त डॉग है। तो अगर इस लिस्ट में, इस सीरीज में अगर मैं किसी डॉग को फर्स्ट नंबर पे रखूँगा तो वो है बेल्जियन मैलिनॉइस। तो आप लोगों को ये लिए एक छोटा सा ये वीडियो था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें कि आप लोग जो ब्रीड
बताते हैं हमें, हम उन ब्रीड्स पे और भी वीडियो कर सके। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमें और भी किसी ब्रीड्स के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर अगर कोई वीडियो बनानी है, तो आप प्लीज़ वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या जो मैसेज बॉक्स है, वहाँ पे जाके कमेंट्स बॉक्स में जाके एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें जिस टॉपिक पे आप वीडियो कराना चाहते हैं, तो उस टॉपिक पे हम जो है आगे आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू।